हाँ जी, बड़ा जल्दी बुला लिया सबने वापस। थैंक यू सो मच। मैं वही कह रही थी, ये मैंने दूसरे वीकेंड के बाहर के लिए आउटफिट रखा था, बट मैंने बोला वहाँ अंदर तो नहीं हो पाया, बाहर ही पहन लो। थैंक यू। इंडो वेस्टर्न थोड़ा मैंने ट्राई किया, बहुत कलरफुल है, सो आई थॉट व्हाई नॉट, थोड़ा अपना मूड तो लाइट अप कर सकती हूँ मैं कलरफुल पहन के। ऑनेस्टली जाना तो चाहूँगी वाइल्ड कार्ड में, बिकॉज बहुत ही इनकम्प्लीट जर्नी रही ऑनेस्टली, सो अगर मौका मिला तो डेफिनेटली वाई नॉट। काफ़ी लोगों काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, तो अनफिनिश टास्क ख़त्म करने हैं जाके वापस। मैं जैसे वापस आई, मैंने सारे एपिसोड्स देखे, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि अभिषेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा डर डर के खेल रहा है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जन बस अंदर जाए और उसे बोले फाड़ दे जाके शेर, बट देन यू नो मेरे को ऐसा लग रहा है वो सोच के बहुत खेल रहा है। हालांकि उनको बिग बॉस ने अंदर भी बुलाया था, काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर की, सो हाँ मेरे को अभिषेक का गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली टू द अदर्स। जी, आई थिंक वो फन फैक्टर मिसिंग था यार, जब से मैं निकली हूँ सब ऐसे मुरझाए हुए, पहले पलक 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 बातें तो होती थी, अभी सब चुप क्यों हो गए हैं इतनी, यू नो हु आई एम पिन पॉइंटिंग टू, बट आई थिंक अब्दू आया तो थोड़ा वो फन एलिमेंट आएगा अभी शो में, सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। हाँ क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक, पता नहीं, मैंने जब मैं बाहर आई तो मैंने काफ़ी ट्वीट्स पढ़े कि सब कह रहे हैं कि जो भी पूजा भट्ट से पंगा ले रहा है वो निकल जा रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। वो मंच ऐसा है कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलती है, चाहे आप एक्टर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, सो आई डोंट थिंक दैट शो कैन बी बायस्ड। या चलो टॉप पर्सनैलिटी होकर भी तो हम सब एक ही मंच पे हैं, मैंने उतना काम शायद नहीं किया हो, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है। हाँ वो तो मैंने सुना एक एपिसोड में, और मुझे सुपीरियर बुलाया जा रहा था फिर भी, बट मुझे नहीं लगता वो रीज़न है किसी के भी निकलने का। मुझे तो बहुत अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है सलमान सर जो कुछ भी कहते हैं वो आपके बेटरमेंट, आपकी गेम बेटर होने के लिए ही कहते हैं, सो आई थिंक वी ऑल नीड टू कीप आर ईयर्स एंड आईज ओपन, जब वो किसी चीज़ का गाइडेंस देते हैं कुछ सोच समझ के आपकी गेम बेटर करने के लिए ही कहते हैं, सो आई थिंक मेरा वीकेंड का वार तो बहुत अच्छा गया उनके साथ। काफ़ी आलोचना हो रही है आकांक्षा पूरी की वजह से, यार तीखी पूरी उसको ऐसे ही नाम नहीं दिया था, उसका तीखापन निकल रहा है ना बाहर, तो क्या प्रॉब्लम है, बट आई थिंक वो एक टास्क था। मैंने भी इनफैक्ट आज ट्वीट किया कि यू नो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज जेल के बाहर का जो एक टास्क हुआ था, उनने मुझसे एक कॉन्वर्सेशन की थी कि डू यू लाइक पीपल यू नो गेटिंग अ लिटिल टची विथ यू एंड ऑल, जिसका मेरा जवाब था कि डिपेंडिंग ऑन द अपोनेंट पर्सन आप कितने कम्फर्टेबल हो, सो उन्हीं का ये रिस्पॉन्स था कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो आज जब मैंने एपिसोड देखा मैंने बोला आकांक्षा ये क्या हो रहा है। लेकिन आकांक्षा देखते पहले वो जब उन्होंने टच थोड़ा सा किया तो काफी हंगामा, हाँ जी बिल्कुल, और जिस चीज़ की वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पसंद आया उनका वो टच, जैसे उन्होंने उन्हें कमर से पकड़ा था एंड आई थिंक पुल किया था, बट आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को एज अ टास्क लिया कि शायद टास्क है, जिस पे अभिषेक ने एक बहुत अच्छी चीज़ आज कही कि कभी कभी हार में ही जीत होती है,
सो यू नो आई थिंक उसके लिए शायद उसने ऐसे लिया होगा, एक हम शूट्स में वेब सीरीज में या टीवी में सीन्स में तो करते ही हैं सीन्स, तो देन आई थिंक उसने उस वे में लिया, बट मैं खुद कंफ्यूज थी वो चीज़ को लेकर। जी यार वो तो बहुत गलत था, वो बहुत गलत चीज़ थी, मुझे ऐसा लगा कि यू शुड हैव टेकन इट एज अ टास्क, बट आप अगर उसको बैड किसर बना बोल रहे हो तो मतलब आपका इंटेंशन उसको वैसा ही कुछ था ना, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली। जी किसका लव एंगल भाई, किसका लव एंगल मुझे भी जानना है, मैंने शायद नहीं देखा है। क्या जे आर मनीषा का, वो तो क्यूट वाला एंगल है यार, वो अच्छा लग रहा है, वो हेल्दी लव एंगल है, कोई ऐसे लिजिट लव एंगल नहीं है, तुम कहीं और पिन पॉइंट कर रहे हो मुझे लग रहा है। जी फर्स्ट टाइम में आपको दो बार चांस तो मिल चुका जी, क्योंकि आपने जो पोस्ट किया था उसके वजह से, तो अभी अगर आपको मौका मिलेगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने का तो आप मेंटली स्ट्रांग होके जाओगे, क्योंकि आपके फेस पे दिखता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप वीक हो, और ये अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं खतरा बन जाएगा। इमोशनली वीक तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली इमोशनल हूँ मैं, सेंसिटिव हूँ मैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ, बिकॉज यार किसी का भी पास्ट उस घर में सामने आ जाए सडनली आफ्टर 1.5 साल बाद, तो आप एकदम ही खुश और ऐसे रिएक्ट, जो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता मुझे नहीं लगता वो रियल गेम खेल रहे हैं, मेरी गेम यही थी दैट आई वॉज बींग रियल माई सेल्फ, बट नहीं मिलता डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं जाना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं अभी तो मैंने गेम देख ली है, मैंने लोगों को परख लिया है कि कौन कैसे खेल रहा है कैसे नहीं, कितने कुछ लोग रियल हैं, कोई बहुत ही मुखौटा पहन के खेल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली वापस आने के बाद, बिकॉज जब मैं घर के अंदर थी ना कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची नहीं, अगर वो उस टाइम पहुंच चुकी होती कि कुछ लोगों ने जो झूठ बोले गए हैं अंदर, अगर मुझ तक या बिग बॉस मुझे अगर वो फुटेज दिखा भी देते तो मेरा रिएक्शन काफ़ी अलग होता। बिल्कुल हाँ, काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, शायद उनका गेम प्लान ही ये था कि पलक से बात करो और भिड़ो, मेरा गेम अविनाश से आगे था काफ़ी, वो सिर्फ मेरे गेम का हिस्सा सिर्फ वो ही नहीं थे। किस चीज़ का किसिंग गेम, आप तो किस पे ही अटके हुए हो, आगे तो बढ़ो उससे, हाँ क्या ये बिग बॉस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। हाँ जी देखें अभी मिलता है कि नॉमिनेटेड हूँ फॉर द मोस्ट फैशनेबल स्टार अवार्ड, एंड डेफिनेटली क्लोदिंग इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, हमेशा से बचपन से आई यूज टू लव टू प्ले द ड्रेस अप गेम, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर ये टैग मुझे मिलता भी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बस यही कहूँगी दैट आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, मुझे इनवाइट मिला डेफिनेटली, मैं दो दिन से बहुत साल कर रही थी गाइस, तो यहाँ आके आप सब लोग से मिलकर एटलीस्ट मुझे थोड़ी खुशी मिली, मैं रेडी हुई आज, सो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। उनको वो अंदर है, उनको अंदर ही रहने देते हैं, हम खुश नहीं है मुझे देख के, हाँ थैंक यू गाइस।